हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीताज रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नारियल की बर्फी की रेसिपी। ये बहुत आसान रेसिपी है जो सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है और ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपके साथ ऐसी और अच्छी अच्छी और ईजी रेसिपी शेयर कर सकूँ। तो आइए देखते हैं नारियल बर्फी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। नारियल बर्फी के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, 1 कटोरी चीनी, 1/2 कटोरी पानी, 2 चम्मच घी, कुछ नट्स सजाने के लिए और 1/4 चम्मच पिसा हुआ इलायची। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं अपनी नारियल बर्फी बनाना। सबसे पहले एक पैन लेंगे, गरम करेंगे इसको। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें हमें अपने नारियल के बुरादे को थोड़ा सा भूनना है। इसे हमें सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए भूनना है, वैसे कलर नहीं चेंज होना चाहिए, ये हल्का सा गरम हो जाना चाहिए। हमारा नारियल हो चुका है, इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। सेम उसी बर्तन में हम दोबारा अपनी चाशनी बनाएंगे। चीनी लेंगे और इसी में पानी डालेंगे। बर्फी के लिए हमें 1 तार की चाशनी बनानी है। जब तक हमारी चाशनी बन रही है हम अपनी प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमें अपनी बर्फी जमानी है। चीनी घुल चुकी है हमारी, अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें 1 तार ना आ जाए। इसे 5 मिनट और पकाएंगे फिर चेक करेंगे। ये रेडी फ्रेंड्स, हमारी चाशनी रेडी हो गई है 1 तार की। ये देखिए अब 1 तार आ रहा है इसमें, आप देखिए, आप अपने फिंगर से भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 तार आ रहा है अब इसमें। अब हम इसमें अपना इलायची पाउडर और कोकोनट ऐड करेंगे। इसमें मिक्स कर देंगे। इसी में हमको घी भी ऐड करना है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब देखिए हमारा मिक्सचर सारा एक तरफ इकट्ठा हो गया, ये पैन छोड़ने लगा है। अब हम इसे फटाफट ग्रीस करने ट्रे में निकाल लेंगे और फैला लेंगे। मैंने इसको फैला लिया है ट्रे में। अब 1 स्पून के पीछे मैं घी लगा के इसको थोड़ा सा फ्लैट करूंगी। इसको हम 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सेट हो जाए।
थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इस पर डाल दीजिए। ये मैंने कोकोनट बर्फी के पीसेस कर लिए हैं, अब हमारी बर्फी सर्व करने के लिए रेडी है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आप अपने व्यूज मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके साथ ऐसी और अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर सकें। थैंक यू।